फूल के गुब्बारा बन के मत घूमना, बीइंग रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक होना अपने आप में सबसे पहली प्रीरिक्विजिट कंडीशन होती है। स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड हर साल बदलता है। आप हर एक साल में अपने आप को इवॉल्व होता हुआ पाते हो, हर एक साल में आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, हर एक साल में आपकी चॉइसेस बदलती है, हर एक साल में आपके विजन भी बदलते हैं। सपना आपने देखा है पूरा होगा, सपना देख सकते हो तो हर वो सपना जो आप देख सकते हो वो पूरा भी हो सकता है। शर्त है बड़ा सपना आपका, बड़ी मेहनत आपकी। मैं आपको तीन सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ और एक बोनस टिप दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि आपकी सच में मदद करने वाली है। इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, अभी 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर जहां पे भी हो, वहां से आप इन चीजों पे काम करना शुरू कर सकते हैं। दिस विल रियली इफेक्टिवली हेल्प यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी लोग इस वीडियो को कहीं ना कहीं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डीप डाउन आप सभी के मन में वो जो बीज है यूपीएससी का वो है। यू हैव टू एग्री ऑन दिस। वो बीज जो है वो कहीं ना कहीं है। शायद आप अभी क्लास 9th में हो सकते हैं, 10th में हो सकते हैं, 10th पास कर दिए होंगे क्योंकि थंबनेल पे हुई है, तो बहुत सारे बच्चे वो होंगे, बहुत सारे वो होंगे कि एक आइडिया मिले हमें कि क्या करना है। आप जिस भी क्लास में हो, जहां भी हो, जो भी हो, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्यों, कैसे, क्या, तो मैं आपको सिंपल तीन स्टेप्स में और एक चौथा बोनस टिप दूंगा, इन चार स्टेप्स में बताने वाला हूं टू स्टार्ट विथ। आप जिस भी पोजीशन में हो, आपको शुरू करने के लिए कहां से शुरू कर देना चाहिए, तीन ऐसी एडवाइस और चौथी एक और बोनस टिप में ऐसी एडवाइस दूंगा जो शायद एक लंबे समय से पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिंस आई एम अ टीचर फॉर सोशल साइंसेस, तो मैं इस एग्जाम के लिए क्या जरूरी है और कैसे शुरू किया जा सकता है उसके बारे में कुछ जानकारी रखता हूं, तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड दिस विल इफेक्टिवली हेल्प यू। आपके मन में जितने भी भ्रम है ना कि मुझे करना है सिविल सर्विसेज लेकिन मुझे साइंस भी लेना है, मुझे आईआईटी में भी जाना है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तो मैं 10th में ही हूं, 10th पास किया है या की है, तो कैसे कर सकते हैं, शुरू क्या कर सकते हैं, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आई अश्योर यू। देखिए, अगर हम बात करें ना तो हमें सबसे पहले रियलिस्टिक होना होगा। एक बड़ी मजेदार सी कह सकते हैं ना कि एक ऐसा तकिया कलाम जो नहीं रहते वो शेयर करता हूं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने वालों के बीच में बड़ा प्रचलित है कि जब एक एस्पिरेंट नया नया आता है तो वे सोचता है कि यार रैंक 1 मेरी आ जाएगी, रैंक 2 किसकी आएगी, हम दो दोस्त साथ में तैयारी कर रहे तो चलो रैंक 2 उसकी आ जाएगी, मुझसे इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाएगा तो उसकी तैयारी कर लेता हूं। और जब वो प्रिपरेशन चालू करता है ना और जब उसको एग्जाम देना होता है तब उसे यह समझ में आता है कि भाई साहब प्रीलिम्स जो सबसे पहला स्टेज होता है उसमें कैसे पास होना है उसका उसके बारे में सोचूं, बाकी मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की चीज है। तो आपको वो रियलाइजेशन उस जर्नी में समझ में आ जाता है, आप रियलिस्टिक हो जाते हैं कि वो उस जर्नी में आपको क्लियर होता है कि हाँ कि हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो आप जब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना तो वही फूल के गुब्बारा बन के मत घूमना, बीइंग रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक होना अपने आप में सबसे पहली प्रीरिक्विजिट कंडीशन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप सभी को पता है कि आप अभी किस लेवल पे, कोई 9th में, 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई शायद फर्स्ट ईयर में होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि एस्पिरेंट जो है, कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होगा तभी एग्जाम दोगे। ग्रेजुएशन होने में हो सकता है किसी को अभी 5 साल लगेंगे, किसी को अभी 3 साल लगेंगे, किसी को अभी 7 साल लगेंगे, अलग अलग लेवल पे सब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में अभी इतना समय लगना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड हर साल बदलता है। आप हर एक साल में अपने आप को इवॉल्व होता हुआ पाते हो, हर एक साल में आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, हर एक साल में आपकी चॉइसेस बदलती है, हर एक साल में आपके विजन भी बदलते हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप अगर दृढ़ संकल्पित हो, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपना सपना गिव अप कर दोगे, लेकिन उस पूरे 4-5 साल की जर्नी में, क्योंकि आपको एग्जाम 5 साल बाद देना है, आप ऐसे बहुत सारे फेजेस से गुजरोगे, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है कुछ लोग कोई नया प्रोफेशन पसंद आ जाए, कुछ लोग नए लाइन पे चले जाए, तो यहां पे आपको रियलिस्टिक होना होगा कि ग्रेजुएशन तक वो लॉ जलाए रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर आपने सपना देखा है तो सपने को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना होगा, स्लोली ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी के साथ बिल्डअप करना होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपको मैराथन दौड़ना और स्प्रिंट दौड़ने में फर्क समझना होगा। बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, एक जब मैराथन दौड़ना होता है तो मैराथन में आप क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली आपको लास्ट में स्टेमिना बचा कर वहां तक दौड़ते रहना होगा। स्प्रिंट में तो क्या है, सांस एक बार भरी और एक साथ में जय बजरंग बली बोल के पूरी दौड़ लगा दी जितना दौड़ना है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन हर उस एस्पिरेंट के लिए
जो अभी 9th 10th में, इनफैक्ट वो भी जो ग्रेजुएशन की मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी शुरू कर रहा है, उसके लिए भी एक स्प्रिंट की तरह नहीं होती है, यूपीएससी एक मैराथन है जहां पे स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन मायने रखता है, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, खास करके वो बच्चे जो अभी 10th पास कर रहे हैं और सपने में जिन्हें शायद ऐसा दिख रहा हो कि हाँ आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर में, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वो सपना आपने देखा है पूरा होगा। अगर सपना देख सकते हो तो हर वो सपना जो आप देख सकते हो वो पूरा भी हो सकता है, शर्त है बड़ा सपना आपका, बड़ी मेहनत आपकी। तो वो बड़ी मेहनत जो है ना वो एक मैराथन वाले फेज में करना होगी आपको, मतलब आपको लगे रहना होगा, आपको चलते रहना होगा, आपको स्टैमिना बचा के कंसिस्टेंटली काम करते रहना होगा, स्प्रिंट की तरह नहीं है वो, ठीक है। तो जब बहुत लंबा समय है तो उस पूरे लंबे समय में कैसे चलना है उसकी एक प्लानिंग दिमाग में पहले करना होगी। यूपीएससी जो है तो ये अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो सब जानते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, ठीक है, स्वाद दिला दूं मैं आपको कि ये अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने जिसने इंटरव्यू दिया हो पिछले साल और इंटरव्यू देने के बावजूद भी उसका फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन वो फिर से जब प्रीलिम्स देगा तो हो सकता है कि उसका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई ना हो। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि कोई एक कोड है जिस कोड की मदद से आप हर चीज कर जाओगे, पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को प्रिपरेशन में इतना डुबा देना होगा कि आप 100% कभी किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एंड पे अपना 100% दो, दैट इज मोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, कोई पूछते प्लान ऑप्शन बी रखे नहीं रखे, तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी प्लान बी होना भी मूर्खता वाला काम नहीं होगा, एक समझदारी भर वाला काम होगा, नहीं हम तो सर अब फर्स्ट रैंक लेके ही घर आएंगे, तो आपको रियलिस्टिक होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ और एक बोनस टिप दूंगा जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि आपकी सच में मदद करने वाली है। इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट अभी 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर जहां पे भी हो वहां से आप इन चीजों पे काम करना शुरू कर सकते हैं, एंड दिस विल रियली इफेक्टिवली हेल्प यू पीपल। व्हाट आर दोस 3 स्टेप्स? पहली चीज, सबसे पहली एनसीईआरटी, द फाउंडेशन फॉर योर ड्रीम। आपने सपना देखा, ठीक है, वही सपना आपका, मेहनत आपकी रहेगी, लेकिन उस मेहनत में मैं आपको दिशा निर्देश अगर दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने देखा इतने सारे एस्पिरेंट से बात करी, इतने सारे मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रैंक ले ली, उन लोगों से बात करी, सब कुछ समझने के बाद में मुझे समझ में आया कि एनसीईआरटी जो होगी, एनसीईआरटी इज ई रिप्लेस, मतलब आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो कि एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेटिव मिल जाए आपको। एनसीईआरटी का अब ये है कि किसी के पास समय कम है तो वो एनसीईआरटी का क्रक्स पढ़ता है, किसी के पास समय ज्यादा है तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन ये तय है कि वो जो फाउंडेशन बनाना है जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा मकान खड़ा करेंगे, तो फाउंडेशन एनसीईआरटी से ही बनेगी। आई कैन बेट ऑन दिस कि जिसका एनसीईआरटी मजबूत है, जिसने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, वो उसको एक हेड स्टार्ट मिलेगी। तो अगर आपने 10th पास किया है तो आपके पास 11th 12th 2 साल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ और भी कर सकते हो। अब क्योंकि अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज रहेगा कि आप एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी कंप्लीट करना प्रायोरिटी रहेगी, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना, अपनी फाउंडेशन बनाना। दूसरी चीज क्या होता है ना, करंट अफेयर्स जो है, तो लोग कहते हैं कि करंट अफेयर तो क्या सर, हर साल नई नई चीज हो रही तो हर साल नया करंट अफेयर रहेगा, लेकिन मैं आपको चीज बताता हूं कि कोई भी इशू है तो वो करंट में चल रहा है तो उसकी रूट्स रहती है डीप डाउन। मान लीजिए आज एक एस्पिरेंट तैयारी शुरू कर रहा है और आज अगर कोई चीज चल रही है जैसे एआई का डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो एआई का डेवलपमेंट वो 5 साल बाद भी करंट में रहेगा, लेकिन अगर आज से ही आप एआई के बारे में जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है वो पढ़ते चल रहे हो, तो वो आपको 5 साल बाद किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पर डेवलप हो जाएगी वो अनपैरेलल है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो मैं आपको एक चीज ये सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना, रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि करंट अफेयर जो है तो वो आपके आजू बाजू है, ठीक है। आपको वो नॉलेज को अपने इर्द गिर्द जीना होगा, जो आप किताबों में पढ़ोगे उसको कनेक्ट करना होगा, और यही पूछा जाता है, दिस इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगला, तीसरी चीज जो है कि अल्टीमेटली आप, जैसे मैंने आपको सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कैसे बनते हैं, सारा सब कुछ हमारा जो दूसरा चैनल है द सोशल ब्रेन्स, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर सब बताया है। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको लिखना होता है। अब जब लिखेंगे आप तो वो रातों रात ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सो के उठेंगे और आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और बहुत अच्छा एग्जाम लिख देंगे। उसकी प्रैक्टिस शुरू से की जा सकती है। तो वो आप आंसर राइटिंग वाला पार्ट जो है, तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक पढ़ा और एकदम आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हो, आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हो। एज प्रॉमिस्ड, चौथी टिप, बोनस टिप मैं आपको जो दे रहा हूं वो ये है, मेक अ प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव। मतलब
अगर इस वीडियो को एक ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो अभी फर्स्ट ईयर में है, तो आप देखो आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल है। 3 साल में आपको ये काम तो करना ही है कि आपको एनसीईआरटी, करंट अफेयर और आंसर राइटिंग पे काम करना है। तो आप टारगेट रखो कि आप मेहनत ज्यादा करोगे, 1 साल में पूरी एनसीईआरटी अच्छे से करोगे, सेकंड ईयर में स्टैंडर्ड बुक्स करोगे, थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, सिलेबस को निपटाओगे, आंसर राइटिंग शुरू कर दोगे सेकंड ईयर से, करंट अफेयर फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आप जिस लेवल पे हैं, जितना टाइम आपके पास है, उस हिसाब से अपना एक प्लान बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। जैसे आप 11th में हो तो आपको पता है क्या, 11th 12th 2 साल में मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ में एनसीईआरटी 6th से 12th तक पूरी चाट जाऊंगा। फिर आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में करने के लिए दूसरी चीज है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक के साथ में सेकंड ईयर से आप क्या कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि थर्ड ईयर के बाद में जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अपनी स्थिति देखो, कहां पर खड़े हो, कितना समय है, उस हिसाब से एक प्लान बनाओ। टू समराइज, एनसीईआरटी पढ़ना है, करंट अफेयर पे ध्यान रखना है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। इसके साथ आप शुरू कर सकते हो, एंड आई कैन प्रॉमिस यू पीपल, यू विल फील द डिफरेंस। आप उन स्टूडेंट से काफी गुना बेहतर रहोगे जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे। फाइन, अगर आपको ये थोड़ा सा संकोच है कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि एग्जॉस्ट हो गए, मैंने क्या बताया, मैराथन है, स्लोली ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना होगा, तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग, क्या कि साथ मिलकर करेंगे, एज ऑलवेज सेड, टुगेदर वी कैन वी विल। तो सोशल ब्रेन्स ये हमारा चैनल है, जहां जिसको मैं सोशल के इसी कंटेक्स में स्टार्ट करना चाहता हूं कि हम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, बेसिक फाउंडेशन पे काम करें। तो यू पीपल कैन विजिट दिस चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और यहां पे अब मैंने उस तरह से कंटेंट डालना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको मददगार लगी। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।